रेल मंत्री जी से भी समय लिया, मैं मिला भी, मैंने पत्र भी लिखा, पत्र का भी जवाब आया मैंने अपने केंद्र सरकार में। आपने पत्र लिखा, तीन चार ट्रेन बढ़ती हुई। चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी को भी हमने इस समस्या को बताया कि हमारे इस क्षेत्र में इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि हजारों हजारों की संख्या में डेली पैसेंजर पलवल से होडल से अपना रोजगार करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए जाते हैं, तो उनको बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है शीघ्र ही इस समस्या का समाधान होगा। मंगला जी, हरियाणा का सिनेरियो क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के? देखिए, निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। कितना बड़ा मुकाबला समझ रहे हैं कांग्रेस, कितनी बड़ी चुनौती लगती है? पांच लोकसभा सीटें कांग्रेस ने हरियाणा में जीत ली और कांग्रेस वाले आजकल बड़े खुश हैं अपने आप में, देखिए पांच जीत ली, देखिए पांच हरा दिया, आपको क्या लग रहा है? चुनाव देखिए, हर चुनाव में खुश होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पलवल जिले की भी तीनों सीट जीतेंगे, निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत आएगा, निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर होगी, निश्चित तौर पर नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। मतलब कोई चुनौती नहीं, कोई खतरा नहीं। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा इस समय चुनावी मोड़ पर है। जिस प्रकार सावन के महीने में गर्मी का घुमस इस समय लोगों को परेशान किए हुए है, तो दूसरी तरफ जो चुनावी गतिविधियां हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनेता इस समय चुनावी तैयारियों में लगे हैं। चुनाव को लेकर के किस प्रकार की गतिविधियां हैं, कैसा लोगों के मन में चुनाव को लेकर के उत्साह है, या राजनेता अपनी तैयारियों को कैसे अंजाम दे रहे हैं, इन कुछ सवालों को लेकर के हम लगातार आपके बीच आ रहे हैं। और इसी श्रृंखला में मैं इस समय मौजूद हूं पलवल में, और मेरे साथ मौजूद है पलवल के विधायक दीपक मंगला। मंगला जी, आपका स्वागत है देश रोजाना पर। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मंगला जी, चुनावी दोबारा आ गया चुनाव, 2019 में लोगों ने आपको चुना था 5 साल के लिए, और वो परीक्षा की घड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि जो 5 साल का आपको मौका मिला और उसके बाद में समय आता है परीक्षा का, और जनता को आपको परीक्षा देनी होती है, तो कितने तैयार हैं उस परीक्षा के लिए? देखिए, जब भी चुनाव होता, देखिए आज समय ऐसा आ गया जी, अब कोई चुनाव के समय चुनाव की तैयारी करे, मुझे लगता है वो उसको सफलता नहीं मिल पाती। अब तो समय है, जिस दिन से भी आदमी विधायक बनता है या कोई उसमें जिम्मेवारी आती है, उसी दिन से अगर चुनाव की तैयारी को लेकर के आदमी काम करे, लोगों के बीच में रहे, विकास कार्य करवाए, तभी तो वो निश्चित तौर से, जब से मैं विधायक बना हूँ या जब से मैंने विधायक के चुनाव लड़ने शुरू किए, लगातार आज 10 साल का समय होने के लिए जा रहा, लगातार फील्ड में रह करके जनता के काम करवाना और जनता के बीच में रह करके जन समस्याओं का समाधान करना, तो ये रूटीन वे की प्रक्रिया, तो रूटीन वे की प्रक्रिया है, चाहे तो कोई संगठन का काम है, चाहे कोई विकास के काम, मतलब परीक्षा के लिए पहले दिन से ही तैयारी शुरू कर दी थी, जिस दिन से चुन करके गए थे जी। मंगला जी, 5 साल के अंदर पलवल को, अगर हम पलवल की बात ही करते हैं, पहला मौका था कि जब पलवल जिले ने, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं युवा मोर्चा के, और भी तमाम आपके पास जिम्मेदारियां पार्टी की रही हैं, पहली बार पलवल जिले के अंदर तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी को मिले, उसके हिसाब से पलवल को क्या मिला और आप कितना सफल मानते हैं इस 5 साल के अंदर, खासकर पलवल विधानसभा को लेकर के? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बनी है जी, अगर मैं शिक्षा की बात करूं जी, तो पलवल के अंदर मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि हमारे यहाँ दुदौला गांव के अंदर विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनी। नहीं, अभी तक ये होता था जहां के मुख्यमंत्री हुआ वहीं ही यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी योजनाएं वहीं जाती थी जी। आज हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने दुदौला में 85 एकड़ में 900 करोड़ रुपए की लागत से हमारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया, बन के तैयार हो गया, और ये बहुत बड़ा एक हमारे क्षेत्र के ही नहीं, आसपास के जिलों के लिए भी, बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ा ये तोहफा है। और निश्चित तौर पर इस यूनिवर्सिटी से हमारे इस क्षेत्र के अंदर युवाओं के रोजगार के साधन मिल रहे हैं,
और एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ऋषि यूनिवर्सिटी में हमारा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल भी चल गया जी। पलवल एक ऐसा जिला था, कोई नवोदय विद्यालय पलवल जिले में नहीं था, हरियाणा के सभी जिलों के अंदर नवोदय विद्यालय। आज रसूलपुर गांव में हमारी ही सरकार में नवोदय विद्यालय की घोषणा हुई, नवोदय विद्यालय बनकर के तैयार हो गया और नवोदय विद्यालय हमारे यहाँ चल रहा है। पलवल की आईटीआई हाईटेक आईटीआई कुसक के अंदर आईटीआई खोली गई। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनेकों काम। अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स की, पलवल जिला बन गया लेकिन पलवल जिले के अंदर ना कोई स्टेडियम था ना इंडोर स्टेडियम, आज हमारा इंडोर स्टेडियम बनकर के तैयार हो गया। जिला स्तरीय स्टेडियम का हमारा 85-90% काम पूरा हो गया। भुगेरा के अंदर हमारा जिला स्तरीय स्टेडियम बन रहा, घोड़ी के अंदर हमारा स्टेडियम बना है। ऐसे हमारे स्पोर्ट्स के लिए हमारे यहाँ स्टेडियम बन रहे हैं। मैं बात करूँ रोड्स की, KGP KMP और हमारा पलवल का एलिवेटेड फ्लाईओवर, हमारे इस पलवल के अंदर जब से ये बने जाम की समस्या में भी काफी हद तक फर्क आया। एक और अभी हमारा जो हम उत्तर प्रदेश की साइड से आते हैं, जेवर की साइड से आते हैं, वहाँ अभी जाम की स्थिति रहती है, वहाँ भी हमने पेलक इंटरचेंज। अगर मैं बात करूँ आज हमारे यहाँ रोड्स का जाल भी बिछा है और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो कनेक्टिविटी की दृष्टि से आज हमारा पलवल हरियाणा में नहीं देश में अव्वल स्थान पर है। KGP KMP दिल्ली बड़ौदा रोड पेलक इंटरचेंज से कनेक्टिविटी होनी और पलवल से लेकर सोनीपत तक रेल कॉरिडोर बनने का काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो रही है और अभी जब पीछे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहरलाल खट्टर जी आए थे तो मेट्रो से भी हम सब ने मांग की थी कि बल्लमगढ़ तक मेट्रो, वो पलवल तक भी मेट्रो की सिटी भरे, तो उन्होंने घोषणा कर दी, उसकी DPR बन रही है। पलवल की कनेक्टिविटी मेट्रो से भी होगी तो आज इसको लेकर के भी पलवल के अंदर बहुत विकास कार्य हुए हैं। अगर मैं बात करूं मेरा खादर का क्षेत्र है, वहां बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, 66 KV का पावर हाउस बना। हमारे यहाँ 2-2 ROB, रसूलपुर का ROB, बामनी खेड़े का ROB, पीछे के 2-2 मुख्यमंत्रियों की घोषणाएं थी, केवल घोषणाएं रह गई, हमारे यहाँ आज ROB बनकर के तैयार हो गए। अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पलवल के अंदर हमारे यहाँ शहीदों को नमन करने के लिए कोई शहीदी स्मारक नहीं था, आज हमारा आप जाकर के देखिए गवर्नमेंट स्कूल में शहीद उद्धम सिंह पार्क में हमारा शहीदी स्मारक बनकर के तैयार हो गया है। हमारे पेंटून पुल की बड़ी दिक्कत थी, यमुना को पार जाने में बड़ी दिक्कत आती, गुरुवारी के अंदर थंतरी के अंदर हमारे 2-2 पेंटून पुल बनकर के तैयार हो गए। पहले हैवी ड्राइविंग के लाइसेंस झज्जर में बनते थे, आज हमारे पलवल के बस अड्डे पर बन रहे हैं। पलवल शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाया है। पलवल में पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट केवल 9 MLD का था, जबकि 2011 में 20 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत थी। आज अमृत योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से हमारे यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं, सीवरेज की लाइन डाली जा रही है। हमारे पलवल क्षेत्र के गांवों को रेनिवेल योजना से जोड़ा गया है, इस हमारे पलवल के क्षेत्र के गांवों को ऐसे अनेकों काम। हेल्थ में बता दो कुछ, स्वास्थ्य में कोई बड़े काम हुए हो? हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पलवल में जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, आप वहाँ उठा करके देखिए, पहले 8 से 7 डॉक्टर हुआ करते थे, आज वहाँ पर 54-55 डॉक्टर हैं। अगर मैं बात करूँ आज वहाँ पर सीटी स्कैन भी है, डायलिसिस की 10 मशीनें वहाँ काम कर रही हैं, ऑक्सीजन प्लांट हमारा अपना है। अगर मैं वहाँ बात करूँ अभी हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, अभी हमारे यहाँ 200 बेड की घोषणा हुई है। अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ पलवल जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, उसके लिए जगह हमारी आइडेंटिफाई हो गई है। पेलक के अंदर सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, रजिस्ट्री होने के लिए आ गई है और वो शीघ्र ही हमारा मेडिकल कॉलेज बनने से एक बहुत बड़ी डिमांड, और उसी मेडिकल कॉलेज में हमारा ट्रॉमा सेंटर भी होगा, उसी में ही हमारा नर्सिंग कॉलेज के लिए नर्सिंग कॉलेज भी होगा। तो अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य को लेकर के भी हमारे इस पलवल के क्षेत्र में जो बहुत बड़ी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को ध्यान में रख करके मेडिकल कॉलेज आने से जहां हमारे क्षेत्र से MBBS डॉक्टर बनेंगे, वहीं उसमें बनने वाले हॉस्पिटल में हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमारी मिलेंगी।
और भी ऐसे अनेकों काम हमारे इस पलवल के क्षेत्र के अंदर हुए हैं। मैं अगर बात करूं, हमारी पलवल रजवाया है वो हमारा पक्का हुआ है, सभी जगह गांवों में शहरों के अंदर बहुत हमारे यहाँ रोड बनाए जा रहे हैं, रोडों की मरम्मत की जा रही है, ऐसे अनेकों अनेकों काम हमारे इस क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य हुए हैं। अगर मैं बात करूं पलवल का, हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो मॉडिफाई, हमारा पलवल का रेलवे स्टेशन हो रहा है। अभी हमारे इस पलवल क्षेत्र के अंदर पहले जो एक भय और आतंक का वातावरण होता था, पहले पूर्व के नेताओं के द्वारा जो झूठे मुकदमे दर्ज हुआ करते थे उन पर भी बिल्कुल एकदम अंकुश लग गया। आज अमन चैन शांति का वातावरण है पलवल के अंदर। तो आज पलवल विकास की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पलवल क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा, आने वाले समय में पलवल विकास की दृष्टि से ना केवल हरियाणा में, देश के मानचित्र पर अव्वल होगा। चलिए डिफाइन करते हैं, आपने बहुत सारी योजनाएं बनवाई, मैं पॉइंट टू पॉइंट आता हूँ। अभी आपने कहा मेट्रो, मंगला जी एक सवाल पे आएंगे, 5 साल आपकी सरकार पूरी होने वाली है, 10 साल आपकी सरकार को मिले थे, 10 साल सरकार क्यों सोई रही, पहले क्यों नहीं घोषणा कर दी मेट्रो की? आपने अंतिम चरण पर घोषणाएं आपकी सरकारें करती हैं, और मैं सभी व्यवस्थाओं पर कह रहा हूं। अभी आपने कहा कि पिछली सरकारों की घोषणाएं थी 10 साल की जो आरोपी अब बने, यानी कि आपकी घोषणाएं फिर 10 साल बाद पूरी होंगी, जनता 10 साल वेट क्यों करे? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, जब ये मेट्रो की बात हमने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जब भी हमने रखी जी, तो माननीय मुख्यमंत्री, जब फिजिबिलिटी नहीं बन रही थी। ओके, अब जब मुख्यमंत्री जी आए, देखिए कोई भी अगर जनप्रतिनिधि चुना जाता 5 साल के लिए, समय सीमा होती है, ये नहीं है कि कोई काम पहले दिन हो गया या लास्ट के दिन नहीं हो, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है वो कर करके दिखाया है। मेट्रो की बात कही है, हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर होगा, एलिवेटेड फ्लाईओवर, हाँ। हमने कहा हमारे आरओबी बनेंगे, हमारे आरओबी बन के तैयार हुए। हमने कहा कि हमारे यहाँ पर बरौली के अंदर कॉलेज होगा तो हमारे यहाँ कॉलेज बना। हमने कहा बरौली ब्लॉक बनेगा तो हमारा बरौली ब्लॉक बना। जो हमने कहा वो हो रहा है। आज हमने कहा मेट्रो पहले हो गई, वो पहले डिक्लेयर हुई, समय उसकी फिजिबिलिटी होती है जी। ये नहीं है कि अगर हमने कोई बात कह दी, हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा, जहां कहा है वहां मेडिकल कॉलेज बन रहे, फेस के हिसाब से बन रहे। हमारा जिस फेस में आया पलवल, उस फेस में आया, उसमें घोषणा हुई, उसकी सारी तैयारियां चल रही है, वो बनेगा हमारा। हमारी सरकार ने कहा इंडोर स्टेडियम होगा तो हमारे यहाँ इंडोर स्टेडियम बना। जो कह रहे हैं वो हमारी सरकार करके दिखा रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी जो कह रहे हैं वो होगा। ये नहीं है कि कह दिया केवल झूठ की बात, तो ये नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कहा है वो करके दिखा। चलिए मेट्रो वाली बात हुई, आप ये कह रहे हो कि मेट्रो घोषणा हुई है वो पूरी होगी, अगर अगली आपकी सरकार आएगी तो भी, और जो भी होगा निश्चित तौर पर सरकार, क्योंकि जब डीपीए निश्चित सरकार आएगी। चलो ये शुभकामना अग्रिम दे देते हैं आपको। अगले सवाल पे आ रहा हूँ मंगला जी, अभी आपने कहा कि स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बना, 1 साल के लगभग उसको स्टेडियम को बने हो चुका, अभी तक वो हैंडओवर नहीं हुआ। अगर ये योजनाएं जो बनती हैं, घोषणाएं, मैंने आपके बात मान ली कि आपने काम कराए, जनता को क्या फायदा मिला उसका? देखिए मैं कहना चाहूंगा, अब जब की बार हमारी सरकार बनी, 1.5 साल हमारा कोरोना में गया। अब आप अगर सही मानेंगे तो देखिए थोड़ा काम डिले भी हो जाता है, 1.5 साल हमारा कोरोना में गया। अभी 3 महीने आचार संहिता लोकसभा के चुनावों की रही, बीच में नगर परिषद के चुनावों की आचार संहिता, उसके बावजूद भी देखिए कोई काम कई दफे टेक्निकली दिक्कत की वजह से किसी काम में समय लगता, लेकिन काम पूरा रहा, बड़ा तेज गति से हमारे। वही कह रहा हूँ कि आपका ये इंडोर स्टेडियम बन चुका है, कंप्लीट है, पीडब्ल्यूडी ने इसको कंप्लीशन भी जहां तक मेरी जानकारी कर दिया, इसके बावजूद वो हैंडओवर नहीं हुआ। इसमें मैं संजय जी बताना चाहूँ, हम सबकी इच्छा है कि इसमें एसी का प्रोविजन हो। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें एसी का, एयर कंडीशन एसी का प्रोविजन हो, तो हम उसमें रखे। मैंने अभी मुख्यमंत्री से बात की है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मेरी बात हुई, और मैंने पहले इन दोनों स्टेडियमों का, जो हमारे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मैंने उनके उनके साथ इनका दौरा भी कराया है। तो अगर एसी हो जाएगा मतलब कुछ बेहतरी के लिए भी इंतजार कर ले। चलिए ये अच्छी बात है, अगर वो
इंडोर स्टेडियम बना है और वातावरण हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मंगला जी और चलते हैं, अभी आपने कहा बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए गाँव में स्टेडियम, आपका जो 85 एकड़ वाला स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम, भवन तो बना दिए, व्यवस्थाएं तो है नहीं, कोच नहीं है उनके अंदर, खिलाड़ियों के खेलने के लिए पूरा सामान नहीं है उसके अंदर, बच्चों के दौड़ने के लिए आज तक भी मैक्सिमम स्थानों पर लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, एक्सीडेंट होते हैं। देखिए मैं संजय जी, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो हम उस दिक्कत को दूर करने का हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है। कहीं कोई कोच की कमी होती है तो उसको भी दिलवाने का हमारा पूरा प्रयास है, और जहां जहां जो कमियां हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर जाकर के समय समय पर जाकर के देखता हूं, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है। अभी मैंने बीच में ही जो ये हमारा स्टेडियम जो बन रहा है, हमारा जिला स्तरीय स्टेडियम, तो अपने खेल मंत्री कंवर संजय सिंह जी से भी मेरी बात हुई है कि एक दिन वहां आकर के और स्पोर्ट्स मैन को भी ला करके और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, तो वो विजिट भी मैं शीघ्र ही इस स्टेडियम के लिए करवाना चाह रहा हूँ। और जहाँ जो भी दिक्कत आती है उसको दूर करने का हमारी तरफ से प्रयास है कि हमारे यहाँ कोच भी रहे और कोई खेलने की कोई सामग्री है वो भी आए, मैट भी आए, तो उसके लिए हम पूर्ण रूप से चिंता करके उस कमी को दूर करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और सरकार भी हमें उसमें सहयोग करने में भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कोई हमें कसर नहीं, क्योंकि हमारा दावा बन जाता है। अभी ओलंपिक चल रहा है, दो जो मेडल पहले आए हमारी बेटी लेके आई हरियाणा की। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, ये हम हरियाणा वासियों के लिए बहुत गौरव की बात। चलिए अभी आप बात कर रहे थे एजुकेशन की, कौशल विश्वविद्यालय बना बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है, नवोदय विद्यालय बने बड़ी अच्छी पहल है, और आपने बहुत सारी बातें बताई। मेरा बड़ौली कॉलेज में आ जाते हैं, दो लेक्चरर हैं, केवल दो प्रोफेसर, कॉलेज बने हुए 5 साल से ज्यादा हो गए, प्रधानमंत्री ने उस कॉलेज का उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री जिस कॉलेज का उद्घाटन करे उसमें 5 साल तक टीचर्स नहीं मिले, फैकल्टीज नहीं होंगी, बच्चे पढ़ेंगे कैसे फिर? आखिर भवन तो बना दिया आपने, ठीक है। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बेटियों का कॉलेज है, बहुत अच्छे से कॉलेज चला, अच्छी स्ट्रेंथ है कॉलेज के अंदर, टीचर्स की जो कमी है समय समय पर हमने उन टीचर्स की कमी को दूर किया है। आज भी देखिए मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर टीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन जहाँ जब जब टीचर्स की कमी होती है हमने उसको दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास भी किया है। अभी भी टीचर्स की कमी को लेकर के मेरी एजुकेशन मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी से भी बात हुई, उन्होंने भी मेरे को कहा है कि जल्द ही वहाँ पर और टीचर्स रिप्यूट किए जाएंगे, और जो हमारा पलवल में अंबेडकर कॉलेज है इसमें भी हमने एमए की क्लासेस शुरू करवाई। तो हम बच्चों की शिक्षा को लेकर के पूर्ण रूप से गंभीर है, पलवल की आईटीआई को हाईटेक आईटीआई किया है, ऐसा नहीं है। और जो दिक्कतें होती हैं तो वो दिक्कतें भी दूर करने का, मैं मानता हूँ टीचर्स की दिक्कत है, लेकिन उनको लेक्चरर्स की दिक्कत को दूर करने के लिए मैं एजुकेशन मंत्री जी से भी मिला हूँ और उसको हम दूर भी करवा रहे हैं, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया। मतलब जो लोग जो है खासकर उस एरियाज के लोग जहाँ पर ये समस्या है वो आश्वान्वित रहे कि जो अब सेशन जो चल रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन अब शुरू सेशन अभी चलेगा असल में उनका ढंग से, तो मान के चले कि उनके पास निश्चित तौर दूर होंगी। निश्चित तौर इंफ्रा की बात आप कर रहे थे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की, 32 ट्रेन चलती थी पलवल से, 12 रह गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दम निकल गया एक तरह से बिल्कुल। अगर रोडवेज की बसों की स्थिति देखें तो रोडवेज की बसों के अंदर आज 5 साल के अंदर 99 बसें ही हैं, कोई उनके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रही। कई बसें आपने शुरू करवाई वो बाद में फिर बंद हो गई, फिर धक्केशाही चलती है, शुरू हो जाती है फिर बंद हो जाती है, ये इंफ्रा में आ गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, इसके साथ इंफ्रा के अंदर एक चीज और आ जाएगी। नहीं, मैं अभी आपका इसी बात का जवाब दे ठीक है। देखिए आपने ट्रेन की बात की, मैं मानता हूँ कोरोना के समय हमारे यहाँ ट्रेन बंद, निश्चित तौर पर बहुत ट्रेनें जाती थी वो बंद गई। मैंने बीच में रेल मंत्री जी से भी समय लिया, मैं मिला भी, मैंने पत्र भी लिखा, पत्र का भी जवाब आया, मैंने अपने केंद्र सरकार में चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी को भी हमने इस समस्या को बताया, और उन्होंने भी रेल मंत्री से बात की, कुछ ट्रेनों की बड़ी, और अभी हमारे प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव जी भी आए थे, तब भी इस समस्या को कहा, तो मैंने भी एक पत्र लिखा, तो उनके भी पत्र का जवाब आया, उन्होंने भी
केंद्र सरकार में रेल मंत्री जी से बात की है कि हमारे इस क्षेत्र में इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि हजारों हजारों की संख्या में डेली पैसेंजर पलवल से होडल से अपना रोजगार करने के लिए अपना व्यापार करने के लिए जाते हैं, तो उनको बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है शीघ्र भी इस समस्या का समाधान होगा। बड़े गंभीरता से हमने इस बात को लिया है और बड़े गंभीर तरीके से हम इस समस्या का समाधान करने में लग रहे हैं। जो बसों की बात आपने कही, जहां हमने बसें भी शुरू कराई हैं, जो आप कह रहे हैं बसें चालू होती है बंद हो जाती है, लेकिन जब प्रॉपर सवारी नहीं मिलती है तो देखिए वो ऐसी कुछ आई है जहां बसें हमने चलवानी शुरू की, जैसे पलवल से जयपुर चली थी। जी जी जी, जी। पलवल से वो यूनिवर्सिटी के लिए जो राजस्थान में बच्चे जाते थे वो चली थी, वो बंद हुई। मैं कोई टेक्निकली दिक्कत की वजह से हमने वो कोटा के लिए बस चलवाई थी, कोई किसी ने कोई राजस्थान की सरकार की वजह से या कोई ना कोई टेक्निकली कमी की वजह से उस बस में रुकावट आई। वैसे अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर वहां डिमांड्स रहते उसके बाद कोई डिमांड्स भी नहीं आई, अगर लगता है कोई डिमांड्स रहेगी तो हम उसको जरूर दूर कराएंगे। और इस तरीके की समय समय पर जहां से भी अगर आप भी हमें सुझाएंगे कि इस रूट पर बस चलनी चाहिए आप बताएं, मैं निश्चित तौर पर आपको पूर्ण रूप से हरियाणा रोडवेज की बस चलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बड़ा अच्छा है कि अगर लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, और ये बात भी तय है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर रोडवेज के बसों के पास सवारी नहीं होंगी तो रोडवेज घाटे में जाएगी और घाटे का सौदा तो ना सरकार करती है ना व्यापारी करता है। खैर, एक बात और आएगी मंगला जी, इंफ्रा की बात मैं आपसे कर रहा था अभी। बिल्कुल ठीक है केएमपी बना, बिल्कुल ठीक है केजीपी बना, बिल्कुल ठीक है एलिवेटेड बना, बिल्कुल ठीक है बहुत सारी सड़कें बनी, पलवल सिटी के अंदर जो सड़कें बनी आरोप लगते हैं उनमें, जैसे पंचवटी की रोड है उमेक से पंचवटी जाती है, 1.5 साल नहीं हुआ उसको बने हुए, कंप्लीशन उसका 3 साल का मिनिमम होता है। जी जी, नया टेंडर आपकी सरकार छोड़ रही है, क्या उन ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा सवाल साथ जोड़ देता हूँ, दूसरा आपने ऐसी कई सड़कें होंगी पलवल सिटी की और आपके संज्ञान में भी आती होंगी, एक तो मैंने आपको उदाहरण दिया ये, दूसरा आपने कहा पेलक पर इंटरचेंज का, केजीपी का उद्घाटन हुए 5 साल हो गए लगभग, मुझे पूरा ध्यान है कि यहाँ पर डीसी अशोक शर्मा हुआ करते थे, उस समय बात चली थी पेलक के इंटरचेंज की, कौन सी व्यवस्था ऐसी खराब हुई, क्या कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई पीछे उसके पीछे दखलंदाजियां थी जो इतना लेट हुआ, और क्या सरकार की कमी थी या कौन सा रीजन रहा जो अब तक नहीं हुआ। मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूं। जी, आपने कहा कि जो पंचवटी वाली रोड है, देखिए आप अगर वहां देखेंगे उसमें मेन सीवरेज की लाइन आ रही है और 25-25 फुट मेन होल है और वो प्रेस नहीं होती उनकी मट्टी। अच्छा, हम ये चाहते थे कि एक बरसात, एक गर्मी, एक सर्दी, एक सीजन निकले, लेकिन देखिए लोगों को वहाँ बड़ा व्यस्त रोड है। बिल्कुल, वहाँ हमारा सिद्ध पंचवटी मंदिर है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनों का आना जाना रहता है, वहीं से हमारा ओमेक सिटी का आवागमन है, वहीं से हमारी पंचवटी कॉलोनी, कई हमारी आवासीय कॉलोनी है, तो हजारों की संख्या में वह आवागमन। तो वो जो सीवरेज की 25-25 फुट है, तो जहां पर ये सीवरेज की लाइन है वो निश्चित तौर पर वो बैठती है, वो बैठी भी है, तो उनकी वो जिम्मेवारी होती है, रोड गारंटी पीरियड में होता है, वो रोड जहां बैठी है वो उसको दुरुस्त करके देंगे जी। और अगर कोई भी ठेकेदार की अगर किसी में भी कोई बदमाशी पाई, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और आगे करेगी। दूसरी बात, आपने कहा इंटरचेंज की जो पेलक, देखिए जब हमारा केजीपी बन रहा था हम ये चाहते थे कि ये केजीपी पे हमारा इंटरचेंज बने, तो मैंने उस समय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से अपनी तरफ से यहाँ पर केएमपी पर इंटरचेंज बनने के लिए रिक्वेस्ट की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप किसानों से बात कीजिए, हमें 11 एकड़ जमीन वहां चाहिए थी, हमने किसानों से भी बात की, सरकार जो मुआवजा देना चाहती थी वो उनको कम लग रहा था, हमने उनसे कहा भी कि भाई वो जो मुआवजा मांग रहे थे उसको देने में असमर्थ थे गवर्नमेंट। हाँ, अगर हम केजीपी वो सीधा प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी केजीपी को लेकर के वहां बड़ी तेज गति से कार्य चल रहा, बिल्कुल, तो वो काम रुक नहीं सकता था। अगर हम एक्वायरमेंट की प्रक्रिया चलती तो उसमें समय लगता था, एक्वायरमेंट की पॉलिसी भी नहीं है शायद, एक्वायरमेंट की नहीं, अब हुआ है। अच्छा,
रिक्वायरमेंट की उसमें दिक्कत आ रही थी, तो फिर भी हमने अधिकारियों से बात करके, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके, हमने वहां प्रोविजन छुड़वाया, नहीं वरना तो वहां बनता ही नहीं जी। हमने उस पर प्रोविजन छुड़वाया, एक्वायरमेंट की प्रक्रिया शुरू की। एक्वायरमेंट करने के बाद किसानों की जमीन एक्वायर हुई है। एक्वायर होने के बाद उस जमीन का काम, उस पे इंटरचेंज बनने का काम आज आप जाकर के देखे कंप्लीट हो रहा है, और मुझे लग रहा है आने वाले 15-20 दिन के अंदर अंदर वो जनता को भी समर्पित हो जाएगा। बहुत बड़ा काम जी वहां पर, उसमें कोई हमारे इस इंटरचेंज होगा, उससे लोगों को बहुत फायदा होगा, शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी बहुत फायदा। निश्चित तौर पर मैं इसमें फिर बीच में, फिर जब ये सारा मामला चल रहा था तो कोरोना का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे उसमें रहा है काम, लेकिन आज वो बन करके तैयार हो गया है और निश्चित तौर पर 15-20 दिन में वो जनता को भी समर्पित। ये तो थे पलवल से जुड़े हुए वो सवाल जो विकास के आपने बताए, जो हमें कमियां लगी हमने आपसे सीधे कड़वे सवाल भी कर दिए और जनता को बताया, और उसके अंदर कुछ मुझे लगता है कुछ ऐसी जानकारियां भी मिली जो शायद अभी नहीं थी। मंगला जी, हरियाणा का सिनेरियो क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के? देखिए, निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। और अभी हमारे में अगर पलवल की बात करूं, चाहे हमारे पलवल के अंदर सरपंचों के चुनाव हुए, चाहे ब्लॉक के चुनाव हुए, चाहे जिला परिषद के चुनाव हुए, चाहे नगर परिषद के चुनाव हुए, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, चाहे अभी लोकसभा के हमारे चुनाव हुए, सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी पलवल विधानसभा में चुनावों को जीता है। लोकसभा चुनाव अभी जीते आप? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो सक्रिय हैं, और आपके जो समर्थक कुछ लोग हैं उनकी वो सोशल मीडिया पे फोटोज भी देख रहा हूँ, कुछ लोग आपको छोड़ के भी जा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही पलवल में कहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई, अगर ऐसा है कोई ऐसा छोड़ के गया हो, मुझे तो नहीं लगता। बल्कि जो छोड़ करके गए हैं वो वापिस आ रहे हैं। मैं ऐसे कई नाम आपको गिनवा दूं जी, जो हमारे से छोड़ करके गए वो हमारे पास वापिस है। हाँ। तो वो यशपाल मुंबई गए थे, वो हमारे पास वापिस आए, उन्होंने देखा वहां का वातावरण। हमारे यहाँ एक अपने पार्षद ये अभी प्रहलाद पंचाल, हाँ, वो गए थे, वो हमारे पास, वो हमारे पास, हमारे पास अभी वापिस आए। ब्लॉक के पार्षद, मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ, जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ पार्टी को ज्वाइन किया, हाँ, वो हमारे पास आए। बड़ौली से अनिल, हमारा कुशक गांव से हमारा एक ब्लॉक का पार्षद, एक हमारा महिपाल पार्षद अचीजा गांव से, ये हमारे पास वापिस आए। जो देखे, ये एक प्रक्रिया है, और वो जा करके देख करके वो सब फिर भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला था आपकी पार्टी ने, मनोहर लाल जी थे, मनोहर लाल जी के बाद में अब नायब सिंह सैनी आ गए, दोनों के साथ आप काम कर रहे हैं, दोनों की कार्यशैली में क्या फर्क है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी काम करता है कार्यकर्ता के नाते काम करता है, चाहे उसे मुख्यमंत्री का दायित्व दे दे, चाहे किसी संगठन में काम दे दे, तो जो काम करते हैं सब अपनी बखूबी से काम करते हैं। जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदर मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किया बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, ऐसे अनेकों काम किए, ट्रांसफर पॉलिसी लाए। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी काम कर रहे हैं, सैनी के कितनी मिलनसारी से सबके साथ काम कर रहे हैं, और दिनों दिन हरियाणा विकास के क्षेत्र में, विकास की दृष्टि से दिनों दिन बड़ी तेज गति से हमारे यहाँ विकास कार्य आ रहे हैं, और विकास कार्यों में और ज्यादा तेजी आई है। तो हमारे यहाँ पर कोई भी किसी को कोई भी दायित्व दे दिया जाए, वो उस दायित्व को बखूबी निभा करके प्रदेश के विकास के लिए, आम जनमानस के कल्याण के लिए, आम जनमानस को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम करते हैं, और सभी उस कार्य में सहयोग करते हैं, और सभी अच्छे से लग भी रहे। मतलब चेहरा बदला मोहरा वही है, ये कहने के लिए आपके संगठन के अंदर दायित्व मिलता है और एक सीमा तय होती है कि इसने ये काम करना है, उन्होंने वो काम करना। खैर, और एक और है, मिलकर के काम, मिलकर काम करना है। कितना बड़ा मुकाबला समझ रहे हैं कांग्रेस, कितनी बड़ी चुनौती लगती है? 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने हरियाणा में जीत ली, और कांग्रेस वाले आजकल बड़े खुश है अपने आप में, देखिए 5 जीत ली, देखिए 5 हरा दी, आपको तो क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो कई चुनाव देखे, हर चुनाव में खुश होते हैं, लेकिन जनता का जो
अपना नजरिया है, जनता का नजरिया होता है। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, निश्चित तौर पर पलवल जिले की भी तीनों सीट जीतेंगे, निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत आएगा, निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर होगी, निश्चित तौर पर नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। मतलब कोई चुनौती नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई सामने आ जाए, हम काम करने पे भरोसा करते हैं, विकास को लेकर के काम करने पर भरोसा करते हैं। कार्यकर्ताओं की देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की टीम काम करती है और कार्यकर्ताओं की टीम काम करने की उनकी इच्छा शक्ति, आम जनमानस का हमारे पर सहयोग, उनका आशीर्वाद, विकास कार्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती है, उतरती आएगी, आई है, उतरेगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर। चलिए अंतिम सवाल आपसे, पलवल को लेकर कुछ लगता हो कि अभी कोई काम बाकी रह गए हैं आपको, असल में तो विधायक के रूप में 5 साल मिले, 5 साल आपको मिले एज ए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के रूप में, 10 साल आपको मिल चुके, आगे लगता है जो मौका मिलता है आगे, तो क्या काम रह गए जो करना चाहेंगे प्राथमिकता के आधार पर? देखिए, एक तो जो काम हमारे इस समय पाइपलाइन में, मेरा पहले रहेगा जो हमारे काम पाइपलाइन में है वो शीघ्र वो काम पूरे हों जी। एक मैं बहुत बड़ी समस्या अपने इस पलवल के लिए मानता हूँ, आज तो हमारे यहाँ खेती के पानी की दिक्कत है, बहुत जगह पीने के भी पानी की दिक्कत, आने वाले 20-30 साल में हमारे यहाँ पानी की समस्या बढ़ेगी। तो यमुना के ऊपर बैराज को लेकर के मेरा अपना, मैंने पीछे विधानसभा में भी इस बात को रखा था कि यमुना के ऊपर बैराज बने ताकि जो हमारा पानी का जल स्तर पलवल में नीचे जा रहा है वो पानी का जल स्तर ज्यादा नीचे ना आए, आने वाले समय में हमें पीने के पानी की समस्या ना रहे। मेरा ध्येय है कि इस पर हम पूरी मजबूती से काम करें, साथ साथ एक चीज और भी हो जाए पानी के लिए, यमुना का दूषित पानी है इस पर भी रोक लगे। उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए भी हमारे मूलचंद शर्मा जी जो हमारे मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसमें कांग्रेस के विधायक थे, हम भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक थे, वो कमेटी अपना काम कर रही है और यहाँ भी एक कमेटी यमुना पर बैराज बने उसको भी लेकर के मैंने विधानसभा में एक बात रखी जी, उसको भी लेकर के एक कमेटी बनी थी, तो कुछ सुझाव भी आए हैं। तो मेरा प्रयास है कि यमुना पर बैराज बने और उससे हमारे इस क्षेत्र के अंदर इस पानी की समस्या का समाधान रहे, आने वाले समय में जो पानी का जल स्तर घट रहा है वो ना घटे, इसको लेकर के हम गंभीरता से इस पर हम काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं जी। और कोई इसके अलावा प्राथमिकता कोई और लगती हो कि और होना चाहिए कुछ? बस मेरे को ये लगता है संजय जी कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा पलवल शहर है, यहाँ भी पीने के पानी की समस्या है, तो हम ये चाह रहे हैं कि पलवल भी रेनीवेल योजना से जुड़ा जाए, तो वो भी ये हमारी स्कीम पास हो गई है, पलवल भी रेनीवेल योजना से जोड़ा जा रहा है, इसकी भी DPR तैयार हो गई है ताकि पलवल में भी पीने के पानी की समस्या का समाधान हो। क्योंकि मुझे पता है, मैं पहले ऊंचाई वाले क्षेत्र थाई मोहल्ले पर रहता था, बहुत बड़ी पीने के पानी की समस्या थी, तो हमने पलवल का जो ढेर मोहल्ला सबसे ऊंचा वाला एरिया, कभी आप जाकर के देखिए वहां एक पहले पानी का टैंक हुआ करता, पॉलिटिकली डिस्टरबेंस की वजह से वो नहीं बन पाता, आज वो बन करके तैयार हो गया, 14 लाख लीटर पानी का टैंक बना और जितने भी हमारा ऊंचाई वाला क्षेत्र पुराना शहर है, ताई मोहल्ला, खैर कला, खैर गुप्तागंज, दरबार कुआ, नीम तला, इन मोहल्लों के अंदर पीने के पानी उस टैंक से जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस पलवल शहर के अंदर भी पूरा जो हमारा एरिया है इसमें भी रेनीवेल योजना आ जाए, वो सरकार ने हमारी मांग को माना, उसकी भी DPR तैयार हो रही है और रेनीवेल योजना पलवल में आने के बाद पीने के पानी की समस्या का भी यहाँ पूरे पलवल शहर के अंदर से समापन हो जाए। चलिए, तो ये थे दीपक मंगला, पलवल को लेकर के बहुत कुछ बताया, इनके जो उपलब्धियां थी वो बताई, हमारे सवाल थे हमने वो भी किए और आपको बताए, पलवल के लिए आगे क्या सोचते हैं कि होना चाहिए, खासकर पेयजल समस्या वाकई बड़ी समस्या है, निदान होना चाहिए उसका, उसको लेकर के इनके जहन में योजना है। इसके साथ साथ दीपक मंगला आशान्वित हैं कि पलवल के अंदर कार्यकर्ताओं के दम पर तीनों सीटें जीतेंगे,
दीपक मंगला आशान्वित है कि प्रदेश के अंदर तीसरी बार फिर सरकार बनेगी। कहते हैं कि कोई चुनौती नहीं है, जब मिलकर के लड़ेंगे सब तो कोई चुनौती नहीं आएगी। तो दीपक मंगला जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के साथ अपनी योजनाएं भी बताई और आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बग्गू साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।